गुजरात के सांसद एसटी हसन ने जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370 पर कहा है कि वो और उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का शुरू से विरोध कर रहे हैं। सपा सांसद ने कहा कि वो केंद्र सरकार से पूछते हैं कि धारा 370 हटाने से उन्हें क्या मिला। जम्मू कश्मीर पहले भी हमारा था और आगे भी हमारा ही रहेगा। दरअसल वो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का घर में नज़रबंद किए जाने के सवाल का जवाब दे रहे थे। हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा में कई बार बयान दिए थे कि फारूक अब्दुल्ला को नज़रबंद नहीं किया गया, वो अपने निजी काम के चलते लोकसभा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनका बयान सरासर गलत था। जम्मू कश्मीर के जो नेता महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला फारूक को बंधक बना लिया गया, तो किस नज़रिए से देखते हैं उनका? देखिए, मैं तो धारा 370 हटाने के ख़िलाफ़ हूँ, मेरी पार्टी उसके ख़िलाफ़ है। मैं ये पूछता हूँ एक सवाल सरकार से कि 370 हटाने से देश को क्या मिला? जम्मू कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा, कल भी हमारा रहेगा। बिला वजह का एक हाइप बनाना और एक संदेश देना लोगों को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, 370 तलाक, इससे देश को मिल क्या रहा है? कंस्ट्रक्टिव काम तो हमें नज़र आया नहीं कोई भी। जब कंस्ट्रक्टिव काम ही नहीं हुआ, उसके अलावा बड़े अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट में मैं भी मौजूद था और उसमें तकरीबन 4 या 5 बार अमित शाह जी ने इस बात का खुलासा किया कि फारूक अब्दुल्ला साहब ना हिरासत में हैं ना नज़रबंद हैं, वो अपनी वजह से पार्लियामेंट नहीं आ पाए। और 2 दिन बाद जब हमने टीवी चैनलों पर उनका इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है, मैं कैसे निकल के आता? ये कैलिबर अगर हमारा, ये स्तर अगर हमारे पूरे देश के होम मिनिस्टर का हो तो इस पे हमें बड़ा दुख है। कल कहीं ना कहीं उन्हें बंधक बनाना पड़ा। अब बंधक क्यों बनाया है? 370 हटाने के बाद तो सब लोग कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग बहुत खुश हैं। आज भी कश्मीर में आंशिक तौर से कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे नेता बंधक बने हुए हैं। कौन खुश है, क्या संदेश देना चाहते हैं देश को, ये मेरे और आपके दिमाग में अच्छी तरह से मालूम है हम लोगों को कि ये बांटने वाली जो सियासतें हैं, देश उसकी तरफ जा रहा है और जिससे हमारी नस्लों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा, जैसे कि सीएम खट्टर साहब ने कहा है कि राजस्थान में एनआरसी लागू, तो आप क्या समझते हैं कि यूपी में भी एनआरसी लागू होनी चाहिए? मैं जानता हूँ कि एनआरसी लागू करने का वजह क्या है। क्या हमारे जितनी एजेंसीज हैं, पुलिस है, इंटेलिजेंस है, सीबीआई है, क्या ये पता नहीं निकाल सकती कि कौन विदेशी हमारे प्रोविंस में रह रहा है, हमारे क्षेत्र में रह रहा है, हमारे प्रदेश में रह रहा है? एनआरसी रजिस्टर बनाना और उस गरीब इंसान से जो अपनी रोजी रोटी में उलझा हुआ है, इस बात के सबूत मांगना कि 1970 या 1950 से पहले के सबूत दो कि तुम्हारे बाप दादा यहाँ रहते थे, क्या ये मुमकिन है कि स्लम्स के अंदर रहने वालों अपना सारा सबूत दे सकते हैं? ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की बात है और इसके पीछे, पर्दे के पीछे इसका मकसद कुछ और है। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो से समझी जाती हैं, ज़बान से कहीं नहीं जाती। कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं एनआरसी, कहीं ना कहीं नहीं, 100% हम विरोध कर रहे हैं। हम इस बात को कहते हैं कि ठीक है, विदेशी हमारे देश में ना रहे, आप नहीं रखना चाहते, तो सबके साथ एक सा सलूक होना चाहिए। मुसलमान विदेशी हो गया और बाकी सब शरणार्थी हो गए, ये कहाँ का इंसाफ है? आप एनआरसी लागू कर रहे हैं, आप अपनी एजेंसी से पता निकालिए कि बाहरी कौन है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति है यहाँ पर और वो हमारे देश को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसे निकाल देना चाहिए।